दोस्तों, क्या किसी राज्य के विधानसभा चुनाव ईडी का एक छापा निर्णायक फैसला उस पर सुना सकता है? क्या किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों को ईडी का छापा पलट सकता है, बदल सकता है? क्या ईडी का एक छापा किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में एक पार्टी को ऊपर और एक पार्टी को नीचे, यानी एक पार्टी को फर्श पर और एक पार्टी को अर्श पर पहुंचा सकता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी के छापे पड़े हैं, उसके बाद से चुनाव पलट जाएगा। अब ये पलट कर बीजेपी की गोदी में जा गिरेगा या कांग्रेस की गोदी में जाके गिरेगा, तय नहीं। बीजेपी ने तो ईडी का छापा इसी मकसद से करवाया होगा, ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है। इस मकसद से करवाया होगा कि माहौल बदल जाएगा, अशोक गहलोत की सरकार को बदनाम कर दिया जाएगा। क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी, या फिर अशोक गहलोत को लग रहा है कि इस छापे के बहाने इस तरह की राजनीति की जा सकती है जिससे लोगों को लगे कि बीजेपी महिलाओं और दूसरे लोगों को लेकर, गरीबों को लेकर जो गारंटी दे रही है कांग्रेस सरकार, उसके खिलाफ है। ये तर्क क्या वोटर को पसंद आएगा? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कल 2 दिन पहले 2 गारंटी दी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने, या पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद ईडी का छापा पड़ा कांग्रेस के दो नेताओं पर, और मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे को संबंध दिया गया 12 साल पुराने मुकदमे के मामले में। अशोक गहलोत ने चुनौती दी ईडी को कि 5 नई गारंटी जारी कर रहा हूं, आप 5 नए नेताओं की तलाश कर लो जिनके खिलाफ आप छापे मारो, हिम्मत है तो छापे मारो। आज नई 5 गारंटियां भी जारी कर दी, जिसमें 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदा जाएगा गोपालकों से। कुल मिलाकर भूपेश बघेल भी इसी तरह का 150-200 करोड़ का गोबर हर साल खरीद रहे हैं। गारंटी जारी करने के साथ साथ ईडी का जयपुर में जो दफ्तर है उसमें कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें अशोक गहलोत खुद शामिल हुए, ऐसी रिपोर्टें भी आ रही हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या माहौल बदलने में अशोक गहलोत कामयाब हो रहे हैं, या बीजेपी यही चाहती थी कि कांग्रेस इतना हो हल्ला मचाए कि बीजेपी के पक्ष में युवा वर्ग आ जाए। क्योंकि ईडी के ये छापे की कार्रवाई हुई है परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर। पिछले 5 साल में कुछ लोग कह रहे हैं 15, कुछ लोग कह रहे हैं 16 परीक्षाओं लीक हुए पर्चे, 50 से 60 लाख छात्र प्रभावित हुए। सचिन पायलट भी इस मामले को, जब तक वो अशोक गहलोत से नाराज थे, उठाते रहे, तब बीजेपी ने इसे मुद्दा नहीं बनाया। मुद्दा बनाया, लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा तो सचिन पायलट ने बना दिया था, और बीजेपी के नेता तो सचिन पायलट के पीछे पीछे जाने लगे थे। अब बीजेपी को 5 साल 11 महीने के बाद याद आया है कि अशोक गहलोत की सरकार को एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जमकर घेरा जा सकता है। देर आयत दुरुस्त आयत, या बहुत देर कर दी हजूर आते आते, ये एक बड़ा सवाल है जो राजनीति के गलियारों में घूम रहा है। कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान में चुनाव 3 त्रिकोण में फंस गया है। एक महिला वोटर है, दूसरा युवा वोटर है, और तीसरा फ्लोटिंग वोटर है। युवा वोटर की बात करें तो युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर करीब 23 लाख है। 20 से 30 साल की उम्र का वोटर करीब करीब 1.25 करोड़ है, और इसमें से एक बड़ा वर्ग महंगाई और बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिलने, परीक्षा देने, परीक्षा में पेपर लीक होने से व्यथित रहा है, दुखी रहा है, उसका भविष्य बिगड़ता है। कोई एक पेपर लीक होता है तो बेचारे की पूरी तैयारी धरी रह जाती है, जो फीस के पैसे जाया हो जाते हैं वो अलग बात है। तो उसके सपनों पर कुठाराघात किया अशोक गहलोत की सरकार ने, ऐसा बीजेपी को लगता है। और ये बड़ी संख्या में वोटर जो बदलाव चाहता है, जो स्वभाव से विद्रोही होता है, वो बीजेपी की तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा, ऐसा बीजेपी को लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि व्यापम घोटाले में जो मध्य प्रदेश में हुआ था,
जो पेपर लीक मामले से 10,000 गुना बड़ा था, पैसों के मामले में भी, और जिस ढंग से लोगों ने आत्महत्या की थी, कुछ लोग मारे गए थे, गवाहों को मारा गया था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी पार्टी को पिछले चुनाव में सत्ता के करीब करीब ले आए थे, तो फिर राजस्थान में ऐसा क्या है जो इतनी नाराजगी हो युवाओं में जो खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ वोट दें? क्योंकि बहुत सी जो योजनाएं हैं, गारंटी है, उसका युवा वर्ग से भी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप में ताल्लुक है। जैसे कि घर की मुखिया को 10,000 रुपया महीना देंगे, तो घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपया महीना मिलेगा तो जेब खर्ची भी युवाओं की बढ़ जाएगी, पोते पोतियों की भी जेब खर्ची बढ़ जाएगी, बेरोजगार बेटों को भी थोड़ा सा पैसा उनकी मुखिया परिवार की देने में सक्षम होंगी। ऐसा मोटे तौर पर बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिहाज से करूं तो ऐसा नैरेटिव चल रहा है। लेकिन बीजेपी के पास कोई और वजह भी नहीं थी और कोई चारा भी नहीं था। वो अशोक गहलोत की सरकार को नीतियों के हिसाब से, योजनाओं के हिसाब से कभी घेर नहीं पाई, और योजनाओं पर या तो वो श्वेत पत्र निकालती खामियों को लेकर, या तो उसने मेहनत नहीं की या उसको खामियां दिखाई ही नहीं दी। दूसरी बात है कि कभी वो लाल डेयरी का जिक्र करती रही, कभी सचिन पायलट की नाराजगी का जिक्र करती रही, तो उसको लगा कि इस बहाने काम चल जाएगा, वैसा काम भी नहीं चला। तो अब क्या मजबूरी में उनको लगा है कि साल चुनाव में जब करीब अभी 26-27-28 दिन बाकी हैं, ऐसे में अशोक गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में, युवा विरोधी सरकार के मामले में, युवाओं का को बेरोजगार करने के मामले में, युवाओं का रोजगार छीनने के मामले में घेरा जा सकता है, और इसमें ईडी का छापा एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये बीजेपी का एंगल है। उधर अशोक गहलोत समाज के सभी वर्ग में गारंटियां बांटने में लगे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्थान में अभी महिलाओं के लिए किया गया, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, शहरी मनरेगा है जो युवा वर्ग के लिए खास तौर से है, गिग वर्कर्स की जो कानून लाया गया है वो युवा वर्ग के लिए है, न्यूनतम आय का गारंटी एक्ट है वो भी युवा वर्ग के लिए है, तो महिलाओं के लिए खास तौर से 100 यूनिट बिजली फ्री, इनसे अशोक गहलोत सरकार को लग रहा है कि वो महिला वोटरों में सेंधमारी करने में कामयाब होगी। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देने के लिए आती हैं। तो ये अब हम एक तरफ से मान लें, चलिए एक हिसाब से मान लें कि महिला वोट ज्यादा बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की तरफ जा रहा है, और युवा वोट ज्यादा कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की तरफ जा रहा है। लेकिन इससे भी काम नहीं चलता, इससे भी आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीत जाएगी। 100% वोट किसी को मिलता नहीं है, ये बात भी जानते हैं। तो अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट पक्ष हो गया है, वो है फ्लोटिंग वोटर। एक स्टडी है जो बताती है कि राजस्थान में करीब 30-35% लोग ऐसे हैं जो आखिरी वक्त में तय करते हैं कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है, यानी 1/3, यानी हर तीसरा वोटर। तो अभी तो हर तीसरे वोटर ने तय ही नहीं किया है कि कांग्रेस के साथ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है, तो इस मामले में चुनाव फंसा हुआ भी है, चुनाव खुला हुआ भी है, और दोनों पक्ष इस फंसे हुए और इस खुले हुए चुनाव में अपने लिए संभावनाएं जीत की तलाशने में लगे हैं। जो मौका ईडी ने दे दिया है बीजेपी को भी और एक हद तक कांग्रेस को भी, हर तीसरे वोटर ने डिसाइड नहीं किया है, तो हर एक वोटर ने डिसाइड किया है कि वो कांग्रेस के साथ जाएगा, हर दूसरे वोटर ने डिसाइड किया है कि वो बीजेपी के साथ जाएगा। इसमें से कुछ कुछ वोटर हैं जो तीसरे पक्ष के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर, लेकिन हर तीसरा वोटर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो हर तीसरा वोटर जब डिसाइड कर लेगा और उसमें से कितना परसेंटेज किसके पास जाएगा, वो चुनाव निकालने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेंबरशिप ड्राइव में भी आप जाइए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।